पिछले कुछ दिनों से रुचि सोया न्यूज में है। हाल ही में इसका एफपीओ भी आया था। इसके बाद से कंपनी के शेयर में काफी तेजी देखने को मिली है। अभी कंपनी का शेयर करीब 951 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ये वही रुचि सोया है जिसका शेयर कभी करीब 15,000 रुपए पर ट्रेड हो रहा था, तो कभी इसकी कीमत महज 3.5 रुपए की रह गई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1963 में, जब पंतनगर और जबलपुर जैसी यूनिवर्सिटी में सोया पर रिसर्च शुरू हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश से शुरू होकर देश के कई हिस्सों में सोयाबीन की खेती होने लगी। मौके का फायदा उठाते हुए दिनेश सहारा ने 1973 में सोया का बिजनेस शुरू कर दिया। शुरुआत में सिर्फ सोया का बिजनेस था, लेकिन बाद में एडिबल ऑयल में भी बिजनेस करने लगे। देखते ही देखते रुचि सोया देश की एक बड़ी कंपनी बन गई। उस दौर में लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कभी ये कंपनी फेल हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। दरअसल इस कंपनी ने 2010 से 2015 के बीच करीब 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर कंपनी ने यह लोन लिया क्यों? दरअसल अक्टूबर 2011 में इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर ड्यूटी बढ़ा दी, जहां से रुचि सोया पाम ऑयल खरीदता था और फिर उसे रिफाइन करता था। ऐसे में रुचि सोया की लागत बढ़ी और उसे तेल के दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया ने रिफाइंड ऑयल पर ड्यूटी घटा दी, जिससे बड़े बड़े प्लेयर्स को रुचि सोया से तेल खरीदने के बजाय इंडोनेशिया से तेल सस्ता मिलने लगा। ऐसे में हाथ से बाजार निकलता देख रुचि सोया ने कम मार्जिन पर सस्ते में तेल बेचना शुरू कर दिया, साथ ही क्रेडिट की सुविधा भी देनी शुरू कर दी। इन्हीं सब चीजों के लिए कंपनी ने लोन लिया था। देखते ही देखते कंपनी के करीब 5,000 करोड़ रुपए बाजार में फंस गए। जिन्होंने उधार पर सामान लिया था वहां से पैसे नहीं मिले और दूसरी ओर बैंकों ने भी अपना लोन वापस मांगना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कंपनी एनसीएलटी में चली गई और उसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट हो गया। 2019 में जब कंपनी डिलिस्ट हुई, उस टाइम कंपनी के शेयर की कीमत करीब 3.5 रुपए थी। थोड़े टाइम बाद जब कंपनी दोबारा लिस्ट हुई तो शेयर की कीमत 17 रुपए हो गई, यानी शेयर की कीमत बहुत कम टाइम में ही 500 से 600% बढ़ गई। अब आपको लग रहा होगा कि डीलिस्टिंग से पहले जिनके पास रुचि सोया के शेयर होंगे उनकी तो चांदी हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल पतंजलि ने रुचि सोया को खरीदने के बाद स्टॉक एक्सचेंज से ये कहा था कि वो रिटेलर्स का 99% हेयर कट कर रही है, यानी जिनके पास डीलिस्टिंग से पहले 100 शेयर थे उन्हें लिस्टिंग के बाद सिर्फ एक शेयर मिला। यही वजह थी कि कंपनी में 95% से भी ज्यादा शेयर प्रमोटर्स के पास थे और बहुत ही कम शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थे। यहाँ एक बात जानना दिलचस्प है कि एनसीएलटी में गई कंपनी को अगर कोई खरीदता है तो वो रिटेलर्स को जितना चाहे उतना हेयर कट दे सकता है, अगर कुछ भी ना दे तो भी उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। 2002 में रुचि सोया का प्राइस 150 रुपए पर था, जो 2008 में 15,000 रुपए से भी ज्यादा हो गया। अगले 1.5 साल में ये फिर से 2,000 रुपए तक पहुंच गया। वहीं करीब 2 साल में फिर से प्राइस 13,000 रुपए के करीब जा पहुंची। बहुत से लोगों को ये उतार चढ़ाव कॉमन लगा, लेकिन कुछ एजेंसीज को इस पर डाउट हुआ और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन कराई गई। बाद में 2010 में पता चला कि बाजार में कुछ ऑपरेटर सारा खेल खेल रहे थे। जब कीमत कम थी उन्होंने खूब सारे शेयर खरीद कर कीमतें बढ़ाई और फिर रिटेलर्स ने भी तेजी से शेयर खरीदना शुरू कर दिया। जब दाम काफी ऊपर चले गए तो सारे शेयर बेच दिए और बाजार से निकल गए। इसी को शेयर मार्केट में पंप एंड डंप के नाम से जानते हैं, और इस खेल से रिटेलर्स को काफी नुकसान हुआ। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के टाइम कंपनी पर करीब 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर ने रुचि सोया को खरीदने के लिए करीब 5,500 करोड़ रुपए की बोली लगाई और जीत गई। तभी पतंजलि ने इस बिड को इनवैलिड करार दिया और कहा कि सेक्शन 29A के अकॉर्डिंग किसी डिफॉल्टर के रिश्तेदार बोली नहीं लगा सकते। यहाँ आपको बता दें कि रोटोमैक के फाउंडर विक्रम कोठारी डिफॉल्टर हैं और गौतम अडानी उनके रिश्तेदार हैं। ऐसे में पतंजलि ने सिर्फ 4,350 करोड़ रुपए में ही बोली जीत ली। करीब 1100 करोड़ रुपए तो पतंजलि ने अपने पास से दिए, जबकि बाकी के पैसे उसने बैंकों से लोन लिया। देखने वाली बात यह है कि पतंजलि को रुचि सोया खरीदने के लिए उन्हीं बैंकों ने लोन दिया जिनका पैसा पहले से ही रुचि सोया में फंसा हुआ था। बैंकों का जो पैसा फंसा था उसका 50% डील के तहत बैंकों को मिला, क्योंकि बैंकों का हेयर कट 50% तय हुआ था। हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन।